ये ऑटोक्लेव करने के हम लोग डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स यहाँ पर देखेंगे। कई तरीके के इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, वर्टिकल ऑटोक्लेव होता है और एक हमारे पास में हॉरिजॉन्टल सिलेंड्रिकल ऑटोक्लेव भी होता है। पहले हम लोग वर्टिकल ऑटोक्लेव देखेंगे। ये जो है ये ऑटोक्लेव है, वर्टिकल ऑटोक्लेव, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं। इसमें एक अंदर से जो है इसमें ऊपर से पानी डालने का होता है, जैसे ये ढक्कन हम खोल के देखेंगे तो इसमें ये एक हीटिंग एलिमेंट होता है। तो जब हम पानी इसमें डालते हैं तो ये एलिमेंट के द्वारा जो है पानी गर्म होता है और फिर मॉइस्ट हीट रेडी होती है, जिसे कि हम प्रॉपरली जब लॉक करते हैं तो ये यहाँ से प्रेशर हम लोग देख सकते हैं और उसको फिर लॉक करते हैं। एक बार लॉक करके तो इस तरीके से इसको हम लॉक करते हैं। इसे जो है मॉडिफाइड हम प्रेशर कुकर भी कह सकते हैं, क्योंकि इसमें आप देखेंगे एक प्रेशर रिलीजिंग सीटी भी दी होती है। तो कई जगह पे हमारे हॉस्पिटल के कई पार्ट्स पे इस तरीके का ऑटोक्लेव भी है। अब हम एक और ऑटोक्लेव देखेंगे। ये भी जो है वर्टिकल ऑटोक्लेव ही है, बट इसमें जो है पानी के लिए अलग से सिस्टम दिया हुआ है। इसमें हमें जो है ये वाला जो चेम्बर है, यहाँ से हम लोग पानी डालते हैं और अभी देखेंगे कैसे डालते हैं। और यहाँ पर लेवल दिया हुआ है, ये जो है इसमें पानी का लेवल हम लोग देख सकते हैं कि किस तरीके से पानी का लेवल हमें कहाँ तक डालना है। इसमें जब पानी गर्म होता है और इसमें जब ये 15 तक जो है 15 पाउंड और 121 तक जब टेम्परेचर तक पानी जो है हीट होता है, इसके बाद में जब स्टीम इसमें जनरेट होती है तो ये स्टीम यहां से एक वॉल्व है, तो ये वॉल्व से ये स्टीम इस चेम्बर में रिलीज कर दी जाती है। तो अभी देखेंगे कि पानी कहां से डालते हैं। इसमें भी यही सिस्टम्स है, यहां पर भी एक वॉल्व है, पानी इसमें यहां पर हम लोग ऐड करते हैं। पानी के लिए ऐड करने के लिए ये एक जो है सोर्स दिया हुआ है और है ना, और फिर पानी भर चुका है। हाँ, ये पानी का था तो अभी इसमें कम पानी था, अभी ये फुल पानी इसमें भर गया है। तो इसके बाद में अभी हम देखेंगे अंदर का, एक बार दिखा देते हैं कि ये अंदर का हैंडल होता है। इसमें इसके अंदर कोई भी हीटिंग एलिमेंट नहीं दिया, क्योंकि यहाँ पर हम लोग स्टीम जो है वो डायरेक्टली इसमें रिलीज करते हैं और फिर इस कंपार्टमेंट में स्टीम यहाँ से रिलीज होती है इस वॉल्व से। वॉल्व दिखाइए थोड़ा जी, ये वॉल्व आप लोग देखेंगे, ये रिलीज होता, ये जब ऐसे करेंगे तो ये इसमें स्टीम इसमें आ जाती है। तो ये एक मैकेनिज्म होता है। अभी हम लोग इस वाले जो ऑटोक्लेव का ऑटोक्लेव प्रोसेस हम लोग देखेंगे। हम लोग देखेंगे ड्रम कैसे रेडी किया जाता है। तो जब भी हमें ऑटोक्लेव जो है रेडी करना है तो जो इक्विपमेंट है जिसे हमने प्रॉपरली क्लीन डिसइनफेक्ट और डिकंटामिनेट कर लिया है, उसको जो है ये इस तरीके से ये लोग सेट प्रॉपरली, इन्होंने LSCS वाला सेट प्रिपेयर किया है, इसे बना के फिर इसे प्रॉपरली बांधेंगे। और इसको बांधने के बाद में इसमें एक जो है इंडिकेटर, केमिकल इंडिकेटर जो है स्ट्रिप सिग्नल लॉक जिसे हम कहते हैं, वो हम लोग लगाएंगे। तो इसको बांध के जब इस पर हम सिग्नल लॉक स्ट्रिप लगाते हैं तो दो हमें लगाना होता है। एक हम इस पर लगाते हैं जिसपे अभी जैसे देखिए ये इन्होंने इस पे डेट लिखा है 9 जनवरी और 5:20 बज रहा है। तो हमने अभी ये 5:20 बजे ये सेट रेडी किया है, इसे हम लोग ड्रम के अंदर डाल रहे हैं। और एक इंडिकेटर हम सेम इंडिकेटर हम ऊपर भी लगाएंगे, उस पे भी ये जो है स्टाफ नर्स नर्सिंग ऑफिसर हमारी इस पे टाइम लिख रही है। और एक चीज का ध्यान रखना है कि इसके जो पोर्स है, ये जो होल्स रहते हैं, ये इस तरीके से खुले हुए होना चाहिए। और जब हमारा प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है तो फिर हम इसे निकालने के बाद में बंद कर देते हैं। तो पोर्स का सिग्निफिकेंस यही है कि जो मॉइस्ट हीट जनरेट होगी वो इस पोर्स के द्वारा उसके इंस्ट्रूमेंट्स पे जाके और फिर ये स्पोर्स और कीटाणुओं को नष्ट करने का काम ये मॉइस्ट हीट करती है। ये ड्रम रेडी होने के बाद में हम लोग इसे जो है ऑटोक्लेव में डालेंगे। आगे हम लोग देखें।